बहुत ज़्यादा स्पेशल है ये फॉर थ्री रीजंस। बालाजी का प्रोडक्शन है, नागिन एक बहुत ही फेमस ब्रांड है, थर्डली कलर्स के साथ मेरा तीसरा एसोसिएशन होगा ये, सो इट इज़ वेरी क्लोज टू मी एंड आई एम रियली एक्साइटेड। बहुत मज़ा आने वाला है। एक यंग बिजनेसमैन का जिसके पास बहुत पैसा है, जो बहुत अच्छा है, एक एलिजिबल बैचलर है, रिस्पॉन्सिबल है, लेकिन फन लविंग भी है, बोरिंग नहीं है बिल्कुल भी, तो आपको बहुत सारे इसमें शेड्स दिखेंगे इस कैरेक्टर में। काफ़ी अच्छे लोग हैं, इनके साथ काम करने में बड़ा मज़ा आ रहा है, बिकॉज मजाक मस्ती भी चलती रहती है एंड दे आर गुड एक्टर्स। उससे ज़्यादा आपको क्या चाहिए? आई एम श्योर कि हमारी केमिस्ट्री इन सब एक्टर्स के साथ अच्छी आएगी। सुकोर के फैंस अभी भी हैं और उनको मैं अभी भी बहुत ढेर सारा प्यार है मेरा उनके साथ, और वो लोग भी बहुत प्यार देते हैं। एंड डेफिनेटली ये जो नया शो मैं करने वाला हूँ उसमें जो भी नाम ये देंगे कैरेक्टर्स को, हमेशा देते हैं, उनका मैं वेट करूँगा। एंड उतना ही प्यार दीजिए हम लोगों को जितना पहले दिया है। जी, मैंने किसी को कुछ बता के नहीं रखा हुआ था, आई वॉन्टेड कि सबको एक सरप्राइज़ मिले, एंड वैसा ही हुआ। लोगों का रिएक्शन बहुत अच्छा था, एवरीबडी वॉज वेरी हैप्पी, फैंस, फैमिली, फ्रेंड, इंडस्ट्री के जो मेरे दोस्त हैं सबके वेल विशेज आए, एंड एवरीबडी हैड दिस वन थिंग टू से कि ये बहुत अच्छा एक प्रोजेक्ट बैक किया है तुमने, एंड आई होप कि भगवान का साथ ऐसे ही आगे भी चलता रहे। क्योंकि मैं शूट कर रहा था, मैं ये नहीं कहूँगा कि मैंने हर एपिसोड देखा है, लेकिन ऑन एंड ऑफ ऑब्वियसली मैंने देखा है। अभी भी जब से मुझे पता चला है कि मैं ये शो कर रहा हूँ तो मैंने कुछ बिट्स देखे हैं, और हमेशा एंटरटेनिंग तो लगा ही है ये शो मुझे। आई थिंक वन मैंने ज़्यादा देखा है, अर्जुन ने और मौनी ने बहुत अच्छा काम किया था उसमें, एंड क्योंकि वो पहला सीज़न था तब ज़्यादा मैं उस टाइम पे थोड़ा बहुत देखा था, सो दैट इज़ वन ऑफ माय फेवरेट। इट इज़ लवली, इट इज़ ऑलवेज लवली टू मीट एवरीबडी फ्रॉम द इंडस्ट्री, और सबको पहले भी मिल चुके हैं, सो इट इज़ अ वेरी फ्रेंडली एटमोसफियर, बहुत फ़न होता है, बहुत एंटरटेनमेंट होता है, तो बड़ा मज़ा आया। इतना ज़्यादा तो मैं फॉलो नहीं करता हूँ, मैं देखता हूँ तो देखता हूँ सलमान खान के लिए, बिकॉज आई एम अ बिग फैन ऑफ हिज। फैंस को यही मैसेज देना चाहूँगा कि जो नया शो आ रहा है उसे ज़रूर देखिए, उतना ही प्यार दीजिए जितना पहले दिया है। 14 दिसंबर 8 बजे सैटरडे संडे, हमेशा प्लीज़ स्टे ग्लूड टू योर टीवी स्क्रीन्स कलर्स।